बिस्मिल्लरकमान सो वी आर डूइंग एडवास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जिसमें हम इंटरेस्ट रेट स्वैप की कॉम्पिटिशन कर रहे थे सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम सो वी शुड रिकॉल कि हमारे पास दो पार्टिसिपेंट्स थे सैंडी एंड चार्ली हु हुआ हैविंग फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग स्ट्रीम और इन्होंने आपस में स्वैप किया था तो नाउ वट सी इफ द सिचुएशन इज डिफरेंट नाउ सिनेरियो इज लाइबर इज वन परसेंट तो यू शुड रिकॉल के उनका क्या था वन प्लस लाइबर था जो चार्ली की इन्वेस्टमेंट थी तो नाउ लाइबर इज एट वन तो चार्ली विल रिसीव अ अंथली पेमेंट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड यानी कि वो कैसे कैलकुलेट हो रही है वन प्लस वन क्योंकि जो हमने एक फॉर्मूला का वन और एक जो उसका फ्लोटिंग स्प्रेड सैंडी विल रिसीव दिमिलर जो उसका स्टैंडर्ड है की बेस पे फिफ्टीन थाउजेंड तो यू शुड अपने जरा माइंड में रिकॉल करें मैप बनाएं इसका कि अब क्या होगा पेमेंट स्ट्रीम एक को वो बीस हज़ार मिल गया एक को पंद्रह हज़ार अपने इन्वेस्टमेंट से मिल गया सो नाउ व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू अगेन स्व द मैटर विद लाइबर वन परसन चार्ली इज अब अंडर द टर्म्स टू टू पे सैंडी ट्वेंटी तब चार्ली को जो ट्वेंटी मिला है ही हैज़ टू पे टू द सैंडी एंड स्टैंडी अपना जो स्टैंडर्ड स्ट्रीम का फिफ्टीन थाउजेंड है शी हैज़ टू पे और अगेन आई एम टेलिंग यू जैसे अब जब सेम करेंसी होती है तो टोटल अमाउंट्स नहीं चेंज होंगी वी विल बी डूइंग इट विद द डिफरेंशियल अमाउंट डिफरेंशियल अमाउंट इज ऑफ फाइव थाउजेंड 5000 फाइव थाउजेंड विल बी केस तो चार्ली ओ सैंडी द डिफरेंस बिटवीन द स्वैप दैट इज फाइव थाउजेंड इसको वो अगेन उसी इलिस्ट्रेशन मेथड से देख लेते हैं तो चार्ली इज गेटिंग ट्वेंटी थाउजेंड प्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट सैंडी इज गेटिंग फिफ्टीन अब इन्होंने अपने रिटर्न स्वैप कर लिए हुए हैं सो चार्ली इज गोइंग टू पे दिस ट्वेंटी टू दैम एंड सैंडी इज टू गिव फिफ्टीन टू दैम सो नेट में होगा क्या फाइव थाउजेंड विल बी ट्रांसफर टू सैंडी सो इन दिस सिचुएशन सैंडी इज़ बेटर ऑफ पिछली सिचुएशन जो हमने देखी थी उसमें चार्ली वॉज बेटर ऑफ सो द वन हु इज टेकिंग द रिस्क ऑफ फ्लोटिंग ही शी इज़ गेटिंग बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर सर्कमांज नाउट द इंटरेस्टेड स्वैप हैज अलाउड चार्ली टू गारंटी इम इल्फ फिफ्टीन थाउजेंड अब बेसिकली ये इंटेंशन डिपेंड कर रहा होता है कि चार्ली क्या चाह रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे फिक्स टीम आ जाए तो उसका पर्पज़ वहाँ से सॉल्व हो गया is locked in Whatever happens to LIBOR, ही इज लॉग्ड इन वन पॉइंट फाइव परसेंट वट एवर हैपन्स टू लाइवर उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट चेंज होती रहेगी लेकिन उसका रिटर्न जो मिलना है वो चेंज नहीं हो रहा

फुलफिलिंग हर डिजायर ऑफ अर हायर रिटर्न स्ट्रीम चौली वॉज एबल टू ट्रांसफर रिस्क फ्लक्चुएशन टू सेंडी हु टू एज्यूम द रिस्क पोटेंशियल ऑफ हायर रिटर्न दोनों की ट्रांजेक्शन दोनों की जो रिस्क एपीटाइट थी वो मीट हो गई One more thing to note is that investor in Western interest rate swap so parties never exchange the principal. As I have told you, कि ये amount जो होती है वो notional ही होती है क्योंकि दोनों की वन million dollar है वन million वो एक को दे और वन million वो उसको वापस दे doesn't make any sense. तो ये notional ही consider होती है change of hand principal का नहीं होता और payment date पर भी पूरी पूरी amounts नहीं change होंगी only the इंटरेस्ट फैक्टर्स और द डिफरेंशियल फैक्टर्स जो हैं वो उसकी पेमेंट मूवमेंट होगी वाई matter? मैटर इंटरेस्ट रेट स्वाब्स प्रोवाइड अ वे फॉर बिजनेस टू हेज देयर एक्सपोजर्स टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट अब हमारे पास बिजनेसिस की जब हम बात करें तो इट्स मिलियंस ऑफ डॉलर की बात हो रही है एक्सपोजर्स आर हाईन इंटरेस्ट एलिमेंट आर हाई तो वहाँ पर जो हमारे हेजिंग और इंटरेस्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं तो ये स्वाब हमारा पर्पज को सॉल्व करता है इट्स नॉट वेरी इजी टू अनलॉक अ अ एंड देन टेक न्यू तो स्वैप उस पूरे प्रोसेस हैसल को बचाने के लिए आपको हेल्प कर देता है कि आप इमीजिएटली अपना एक्सपोजर को स्वैप कर सकते हैं If a company believes अगर अगर किसी ने कोई पेमेंट्स करनी है और उसको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना है तो वो अपने आप को सेफ करने के लिए फिक्स की तरफ जा सकता है एंड इट्स मोरली मेनली बेस्ड ऑन अबाउट द एक्सपेक्टेशन वन पार्टी मे बी एक्सपेक्टिंग अ राइज अदर पार्टी मे बी एक्सपेक्टिंग अ फॉल और सम वन इज विलिंग टू टेक लेस रिस्क सम टू टेक मोर रिस्क तो ये फैक्टर्स और डिजायर्स डिटरमिन करती हैं कि कौन सी पार्टी क्या पर्टिकुलर पोजीशन लेगी तो so इसका ये सारा मैकेनिज्म उस पर वर्कआउट रहा होता है थैंक यू